महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न से संबंधित आपके सामने रखा था, अभी तक उस महिला डॉक्टर का यौन शोषण करने वाले एमएस के को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना उस पर कोई एफआईआर की गई, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने इस पूरे मामले में, दीपक कुमार जिन्होंने इस पूरे मामले को लटकाया, उन पे नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे विषय को लेकर दिल्ली के एलजी महोदय को मैं आज पत्र लिख रहा हूं और दिल्ली के उपराज्यपाल से मैं इस बात का जवाब चाहता हूं कि आखिर महिला डॉक्टर कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, महिला डॉक्टर्स ने हड़ताल की, उनके पक्ष में बहुत सारी आवाजें उठी, क्या आपको वो आवाजें सुनाई नहीं देती? दिल्ली में इस महिला डॉक्टर को न्याय अब तक आपने क्यों नहीं दिया? दोषी एमएस को एक नहीं, आपने अनेक बार बचाने का प्रयास किया। तो ये सवाल दिल्ली के एलजी से और भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मोहर लगाती है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं का शोषण होता रहे, बस मार्शल निकाल कर बाहर कर दो, महिलाएं असुरक्षित रहें बसों में, अस्पतालों में महिला डॉक्टर की कोई शिकायत है उसको अनदेखी करो, उस पर बैठ जाओ चुपचाप। तो ये सारे प्रश्न मैंने इस पत्र के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से पूछा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे एलजी को यहां पर बिठा रखा है जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसा ही नहीं, जिस एमएस की शिकायत हुई है उसके खिलाफ दूसरी महिला डॉक्टरों ने भी शिकायत की है।